यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे का अधिक समय लगता है। भरे टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? तो यहाँ पर सिंपली क्या करना, हम ये मान लेंगे कि पहला टंकी क्या मतलब पहला नल जो है वो ए है और उस छेद को हम मान लेंगे नल बी। तब ए जब अकेले काम करता है तो 8 घंटे का समय लगता है, और ए और बी दोनों साथ में काम करता है तो समय कितना लगता है? 10 लगता है। तो आपको बताना है ये छेद टंकी को कितने समय में खाली करेगा। सिंपली क्या करेंगे, 10 × 8 और इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, तो 10 और 8 का डिफरेंस 2 होगा, तो ये कटेगा 2 × 5 = 10 और पानी घटी 40 घंटा, जो हमारा ऑप्शन नंबर द है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पाइप टंकी को 3 घंटे में भरता है, जबकि 2 निकासी पाइप 6 घंटे और 10 घंटे में टंकी को खाली कर देते हैं। तो आपको बताना है कि यदि तीनों नल को चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा। तो हम पहले नल को ए मान लेते, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लेते हैं। अब पहला नल 3 घंटे में टंकी को भरता है, दूसरा और तीसरा नल 6 घंटा और 10 घंटा में टंकी को खाली करता है। तो हमको क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा, इन तीनों का एलसीएम जो है वो निकल कर आएगा 60। अब हम क्या करेंगे, हम ये मानकर चलेंगे टंकी की कैपेसिटी कितना है, 60 यूनिट का है, तो 60 को 3 से अगर हम भागा देंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 60 को 6 से भागा देंगे तो 10 आएगा, और 60 को 10 से भागा देंगे तो 6 आएगा। अब क्या है, ये 20 भरता है और ये दोनों 10 और 6 खाली करता है। तो पहला टंकी 20 भरेगा जबकि बाकी दोनों टंकी 16 खाली कर देगा, तो हमारा कितना 4 यूनिट जो है टंकी हर बार भराएगा, हर घंटा में 4 यूनिट टंकी भराएगा। तो 60 को 4 से भागा देंगे तो हमारे चला जाएगा 15 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर द है।